पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी तो है इसे जेल ना समझ, और मर्द की चूड़ियां तो दफ्तर की हथकड़ियां हैं, इसलिए सपनों के सबैटिकल को तू अपनी बेल ना समझ। पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी है इसे जेल ना समझ। और फिर जैसे अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करते हैं ना, एकदम से घर वाले गरीब हो जाते हैं, एकदम से स्प्लिट मोमेंट में गरीब, और अजीब अजीब बातें करते कि हमारे यहाँ तो मेड भी नहीं आ रही तुम्हें सपने पूरे करने, अनरिलेटेड बातें बिल्कुल। तो उस पे पापा कहते हैं, देखिए पीछे तक आवाज आ रही है बढ़िया, पापा कहते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, हम, देखिए जोर से बोलिए आप लोग भी लग रहे हैं, कि हम मिडिल क्लास हैं। पापा कहते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, कोई अरबी शेख नहीं, अरबी शेख पे गौर कीजिए, पापा कहते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं, कोई अरबी शेख नहीं, इसलिए अपने भाव बढ़ाकर खुद को तेल ना समझ। पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी तो है इसे जेल ना समझ। और फिर जैसे जैसे मैं अपने पैशन को और बड़ा अपॉर्चुनिटी देने के लिए बॉम्बे जाना चाहता हूँ, कोई है जो कहीं जाना चाहता है बाहर मत बोलिएगा, देखिए मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ ठीक है, तो पापा की उस पर बहुत तीखी टिप्पणी है, मतलब रोज बात भी नहीं करेंगे और दूर भी नहीं जाने देंगे। पापा कहते हैं कि तेरी वैल्यू होगी ज्यादा बॉम्बे के बाजार में, तेरी वैल्यू होगी ज्यादा बॉम्बे के बाजार में, मगर तू एक्सक्लूसिव है, खुद को फॉर सेल ना समझ। पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी तो है इसे जेल ना समझ। और फिर आखिरी बात जब पापा कहते, सुन के बहुत बुरा लगता है, आप लोगों को भी लगेगा, ये पॉइंट हमारी लाइफ से कंप्लीटली मिस हो चुका है। देखिए पापा कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूं, कभी कंसिडर नहीं किया। पापा कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूं, बस तुझे ठीक नहीं कर सका।